हेलो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे जो पिक है ये है नागचंपा का अपडेट, जिस प्लांट के केयर टिप के बारे में एक वीडियो पहले से मेरे चैनल पे है। और अब ये आपके सामने है मेरा फाइकस प्लांट, जिस प्लांट को चाइनीज बनियान के नाम पे भी जाना जाता है। इस प्लांट को 3 साल पहले मैं नर्सरी से लाई थी, तब इस प्लांट का कंडीशन बहुत ही खराब था और एकदम छोटा सा था, एक भी रियल रूट नहीं था। तब मैं इस प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, सिर्फ प्लांट की पत्ते की शेप और साइन बहुत ही क्यूट सा लग रहा था और मैंने इसको खरीद ली। घर में लाने के 3 दिन बाद प्लांट को 10 इंच के एक गमले में रिपोर्ट कर दिया। इनिशियली इसकी मिट्टी रेडी करने के लिए एज यूजुअली मैंने लिया था एक पार्ट प्लेन गार्डन सॉइल, एक पार्ट सैंड और एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट। मैं अपनी सभी प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट ही इस्तेमाल करती हूँ। मेरा ये प्लांट जहाँ रखा है इसे मॉर्निंग के सिर्फ 2.5 से 3 घंटे की धूप ही मिलता है। प्लांट को रिपोर्ट करने के 2 महीने बाद से हर महीने मैं एक मुट्ठी करके काउडंग कंपोस्ट प्लांट के मिट्टी में डालती थी, क्योंकि ये एक फोलियर प्लांट है इसलिए इस प्लांट को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर बहुत पसंद है। इस प्लांट का ग्रोथ स्लो है, ये इस प्लांट का नेचर है। 1 साल पहले प्लांट पे मुझे पहली बार एरियल रूट दिखाई दी, मगर तब एक भी एरियल रूट नहीं टिकता था। थोड़ा ग्रो होने के बाद ही सूख कर गिर जाता था। तब मैंने लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर देना शुरू किया। सीवीड फर्टिलाइजर 1 लीटर पानी में 3 से 4 बूंद मिला के पूरे प्लांट पे स्प्रे करती हूँ। ये स्प्रे हफ्ते में एक बार करने से धीरे धीरे एरियल रूट ग्रो होने लगा। अभी मैं इस प्लांट पे महीने में एक बार करके लिक्विड मस्टर्ड के फर्टिलाइजर डालती हूँ और इसके बीच में एक बार करके सीवीड फर्टिलाइजर भी स्प्रे कर देती हूँ। इस प्लांट पे मैंने अभी तक किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं देखा, फिर भी सभी प्लांट के साथ साथ इसे भी नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ। वैसे तो ये प्लांट कटिंग से अच्छे से ग्रो हो जाता है, मगर इस प्लांट को मैंने कभी भी प्रूनिंग या वायरिंग नहीं किया। इतना सारा एरियल रूट ग्रो हो गया है कि धीरे धीरे ये प्लांट एक ट्री का शेप ले रहा है। अगर मेरा ये प्लांट और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड गिव योर कमेंट, और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए गुड डे। Over the hills and far.
She's waiting.